वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यासिटी फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। वेलकम बैक टू इरमापी चैनल। और सुनाएं कैसा गुजर रहा है सबका संडे, संडे का फंडे। तो जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। मैं आज थी थोड़ा जॉब पे, तो अभी अभी वापस आई हूँ। तो बस अभी आ, तो बस डिनर का टाइम है। तो मैं चिकन टिक्का सुबह निकाल गई थी, जो हमने मैरिनेट करके ऑलरेडी फ्रीजर के अंदर रखा हुआ होता है, तो उसको मैंने सुबह डिफ्रॉस्ट करने के लिए मैं रख गई थी। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो डिफ्रॉस्ट जो है वो हो चुका है, ये देखें। तो बस इसको अब मैं लगाऊंगी सीखों के ऊपर, और इसको करेंगे हम तवे के ऊपर पकाएंगे। बारबेक्यू नहीं करेंगे, तवे के ऊपर पकाएंगे। आपको याद होगा तो रमजान में मैंने ये रेसिपी बनाई थी, तो सबको बहुत पसंद आई थी। मैं पहले भी वैसे बनाती रहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, तो ये बहुत पसंद आई थी। तो मुझे दो तीन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इरम आपी, तो ये देखें, ये मैंने ना एक ये वाला तवा जो है ना, ये इस कामों के लिए रखा हुआ, ठीक है। ठहर जो, मैं तो अपने तवे दहानी है। ये है जी मेरा तवा जिसपे पराठे पकते हैं, ठीक है। ये है जी मेरा तवा, तवी जिसपे रोटी बनती है रोज की। और ये तवा है जिसपे मैंने इस तरह की चीजें बनाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम उनको लगाएंगे अपने स्क्रूअर पे। स्क्रूअर पे लगाने के बाद फिर उनको हल्का सा ऑयल डाल के, तो ढांप के हम इसके ऊपर, तवे के ऊपर रख देंगे। तो वो फिर आराम से पकते रहेंगे ढांप के, जो चिकन ने पानी भी छोड़ना हुआ ना तो वो भी छोड़ सकेगा। और ये 10-15 मिनट में रेडी हो जाते हैं। और फिर आज मैं फ्राइज जो है वो भी फ्राई करेंगे, एयर फ्राई में नहीं बनाना। आज मेरा दिल है कि फुल प्रॉपर फैट फूड खाया जाए। कभी कभी कर लेनी चाहिए इंज की हरकत भी, तो इंज की हरकत भी। तो चले अभी करते हैं। सबसे पहले इनको स्क्रूअर के ऊपर लगाते हैं और फिर इनको जो है तवे के ऊपर रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि स्क्रूअर के ऊपर लगाने की भी, तो मैं यहाँ से अपने स्क्रूअर ढूंढ लूँ पहले, नहीं तो रोज ही साढ़े कुछ चुको तो आ जाते हैं। अज हूं मैं लभने ने, तो हूं मेरा हाथ नहीं उत्थे तक जाना। लभ गए लभ गए लभ गए लभ गए लभ गए लभ गए लभ गए। तो ये है स्क्रू। तो स्क्रू ना हमने ऐसे, ये जो फॉइल का खाली हो गया ना, इसके अंदर डाल के रखे होंगे। तो चले इसके अंदर परोते हैं और फिर आप लोग उसे साथ साथ तो दिखा दी। आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, तो बैग को लेते हैं खोल, क्योंकि मैंने ना, क्योंकि इस पर पानी तो डालना नहीं होता। फिर मैं जाते हुए ना इसको निकाल गई थी फ्रीजर में से, कि मुझे पता था जब तक मैंने ये आना है ना तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाना। और इसको मैं हमेशा मैरिनेट करके रखती हूँ चिकन ब्रेस्ट को, थोड़ा सा टिक्के शिक्के बनाने होते हैं तो फिर इसको हम ना हमेशा करके रखते हैं। कोई कोई फटाफट मेहमान भी आ जाए ना, तो आप इनको बस निकाल के चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो इनके ऊपर हमेशा मसाला लगा के मैंने रखा हुआ होता है किलो दो को ना। तो ये देखिए मैं एक एक सीख के ऊपर ना पाँच पाँच छः छः लगा दूंगी, और फिर इस तरह से जैसे आप टिक्के को परोते हैं बस वैसे ही परो लें करके। ये देखिए बस इतने ही रखूंगी, कितने 1 2 3 4 5 6 लगाए हैं मैंने एक के ऊपर, और 3 से 4 जो है वो एक रैप के अंदर जाते हैं, ठीक हो गया। और इनको काट भी लेते हैं, ये बड़े 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 हैं, मैंने वैसे ही बोटियां सारी लगा ली थी, फिर इनको काट भी लेते हैं, फिर ही लगाते हैं काट के। उंगली कितने लग देने हैं फिर अगली अगली वीडी बोटी, फिर वो रोल भी नहीं होता ना। सब मैं ये सीखें बना लूं, सीखें बना के तो फिर इनको तवे के ऊपर रखते हैं। आप ओवन भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, आप एयर फ्राई में भी रख सकते हैं, जैसे आपका मन हो। या बारबेक्यू करना है तो बारबेक्यू कर लें, सब तो चंगी गल, सब तो चंगी गल, बारबेक्यू करना है तो बारबेक्यू भी कर लें। थोड़ा ऐसे ऐसे फासले पे करके करें ना, ताकि पक भी जान के साथ। फिलहाल 4 को लगाते हैं और 4 को तवे के ऊपर रखते हैं, क्योंकि बाकी आके तो रेडी कर लवेंगे, ठीक है ना। चिकन टिक्का 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 टिक्का, चिकन टिक्का टिक्का टिक्का,
क्योंकि ये अभी जो इनका पानी नीचे जो मैरिनेट किया हुआ है, थोड़ा सा दही डाला हुआ, लेमन विनेगर हर चीज़ डाली हुई है ना, तो वो फिर ये निचड़ेगा नहीं। हम फटाफट से इसको तवे पे रख देंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि ये निचड़े और ये नीचे जाया जाए। अब इनको मैं उठा के फटाफट से तवे के ऊपर रखती हूँ और आपको दिखा सकती हूँ। हमने इसको रख दिया तवे के ऊपर, तो बस अभी इसको थोड़ा सा मैं ढक दूंगी। ये देखें कितना अच्छा पक रहा है ना। थोड़ा सा भी आंच तेज़ रहने दूंगी और फिर इसको ना मैं ढक्कन दे दूंगी ताकि ये बड़ी हल्की आंच कर दूंगी ताकि ये बड़ा अच्छा सा अंदर से पक जाए, ठीक है ना। ये इसका बैलेंस तवे का थोड़ा करेंगे। ये देखिए तो अब हमें पता है कि ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसकी आंच जो है वो मीडियम कर देंगे ताकि चिकन जो है ना अंदर तक से पक जाए, ठीक है, हल्की आंच पे। बस अभी ढक्कन दे देंगे हम इस तरह से, बस अब ये पकेगा। ये तो टिक्कों का जो पहला फूड था वो हो चुका है रेडी। ये देखिए कितने मज़े लग रहे हैं। ये देखिए यम्मी टिक्कों का पहला फूड रेडी है। को मैंने स्क्रूअर से निकाल लिया, तो अब इनके छोटे पीस मैंने अभी नहीं किए, कुछ हमने कट के उस प्लेट में कर लिए हुए हैं वो मैं दिखाती हूँ। इनको मैंने बड़े ही रहने दिए, जो मैंने किए हैं वो मैं आपको इस साइड पे दिखा देती हूँ। ये देखिए आमल ने दो चार दो सीखों के ये करके रैप रूप बना भी लिए हैं, तो ये बाकी मैंने ऐसे ही रहने दिए कि अगर किसी ने चिप्स के साथ खाने हैं तो वो चिप्स के साथ भी खा सकते हैं। बड़े मज़े के चिकन मज़े का चिकन टिक्का बना है, फिर नॉन एंज दी सॉस हो बिस्मिल्लाह, ये आप लोगों के लिए बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का। तो बस जी चले हम अभी मैं आपको रैप्स दिखाती हूँ बना के, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चले जी अब मैं करती हूँ डिनर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।